एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? वेलकम टू माय क्लास। आज के हम इस वीडियो में आपको न्यू सीरीज लेके आए हैं और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी डिस्टिंक्शंस हैं यानी डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडी करेंगे। सारे टेस्ट आपको इसमें सीखना है, आप टेस्ट के रूप में भी सीख सकते हैं और डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन के रूप में भी सीख सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में टेस्ट के आधार पर क्या डिफरेंस है, अल्कोहल और फिनोल में क्या डिफरेंस है, मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन में क्या डिफरेंस है, या एरोमेटिक अमाइन और एलिफेटिक अमाइन में क्या डिफरेंस है। कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्टिंक्शंस आपको सिखाने वाला हूं, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज चलूंगा। आज के इस टॉपिक में मैं ले रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 है, प्लेलिस्ट का नाम होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें पहला लेक्चर है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इन रिएक्शंस को करने के बाद आप सारे टॉपिक्स में बता पाएंगे कौन किसके साथ रिएक्शन देता है, कौन रिएक्शन नहीं देता है, क्लियर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक करिए, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा बल्कि रिएक्शंस के आधार पर बताऊंगा कि इसमें क्या टेस्ट देगा, कौन सा कलर इसमें मिलेगा, बस इतना सा सीखना है। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको इस डिस्टिंक्शन में ये 5 हेडिंग सिखाने वाला हूं, इसके अलावा हमारे कोर्स में नहीं है, ये ही मेन इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के सिलेबस में आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आएगा और जी और नीट के सिलेबस में भी काम आएगा, आपको दोनों के लिए तैयार करना है। तो पहला टेस्ट है हमारा, हमें पहचान करना है कि एल्कोहल और फिनोल में क्या डिफरेंसेस है टेस्ट के आधार पर, यानी अगर इनका हम टेस्ट लगाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है। पहला टेस्ट आप तैयार करिए, लिटमस टेस्ट। अगर हम लिटमस टेस्ट लगाते हैं तो जो फिनॉल होगा वो लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, किसमें ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एल्कोहल इस टाइप का कोई टेस्ट लिटमस के प्रति नहीं देता है। तो लिख लीजिए इसको, फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस फिनॉल्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें पता लगता है कि ये फिनॉल है। अब एल्कोहल से चूंकि हम इसका तुलना कर रहे हैं, इसका डिस्टिंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें अल्कोहल डू नॉट हैव एनी टेस्ट, लिख सकते हो आप अल्कोहल्स डू नॉट गिव This test। एल्कोहल में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, तो आपको सबसे पहले इसका पता लगा कि हम फिनॉल्स को एल्कोहल से कैसे तुलना कर सकते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब आती है बात सेकेंड की, टेस्ट विद फेरिक क्लोराइड, यानी फेरिक क्लोराइड के साथ अगर फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हम टेस्ट के आधार पर जानेंगे, हम रिएक्शन के आधार पर जानेंगे, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हमें फिनॉल की फेरिक क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराता हूं तो रिएक्शन क्या होगी, जरा देखिए। ये रहा मेरा फिनॉल,
रिएक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और अगर आप रिएक्शन याद नहीं कर सकते केवल टेस्ट के पेपर में आया तो डायरेक्ट कलर बता दीजिएगा बस। ये रहा फिनॉल, इसके 6 मॉलिक्यूल लेना है आपको बैलेंसी के लिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3। कैसा है? न्यूट्रल, न्यूट्रल FeCl3 इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये देखिए कॉम्प्लेक्स बनेगा FeOC6H5 का होल 6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां पर इसको यहां पर लगा दीजिए बाहर, 3 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव प्लस 3HCl, ये रिएक्शन होगी। बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसे ही तैयार करना है। इसका जो कलर होता है ये वायलेट है, वायलेट कॉम्प्लेक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपकी कि अगर फिनॉल के 6 मॉलिक्यूल को न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराए तो ये वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलर का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसी की वजह से इससे इसको डिफरेंस कर सकते हैं, और एल्कोहल में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है। डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। Do not give this reaction. इसका कंपैरिजन है, एल्कोहल में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है, FeCl3 के साथ कोई वायलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, तो आपको इससे इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है कौन? फिनॉल, यानी फिनॉल से एल्कोहल की अगर हमें कंपैरिजन करना है तो आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट करना होगा। कैसे करेंगे रिएक्शन? तो देखिए यहां पर मैं फिनॉल ले रहा हूं, ये रहा आपका फिनॉल। फिनॉल में क्या लगा रहता है? ऊपर OH रहता है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एक्वस ब्रोमीन से। इसको लिख सकते हैं Br2। इसके 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 3Br2। एक कैसा है? एक्वस है, यानी ब्रोमीन वाटर बोलेंगे इसको। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, देखें ये तो रहा हमारा फिनॉल OH। इसमें 2 कंडीशन पर, 4 पर और 6 पर Br लगा होता है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्लस 3HBr यहां पर निकल जाता है। तो ये जो कंपाउंड होता है इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसे बोलते हैं व्हाइट PPT। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसका? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। एल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है, डो नॉट गिव सच रिएक्शन। ऐसी कोई रिएक्शन ही ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं देता है। यानी एल्कोहल की बात कर रहा हूं तो मैं बहुत सारे एल्कोहल होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी के लिए बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन नहीं देते हैं। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है तो कौन देता है? फिनॉल, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, इसमें वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसे कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी रिएक्शंस आपको पता लग रहे हैं। उसके बाद आता है कपलिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कपलिंग रिएक्शन को भी आपको याद करना है, अगर आपको टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता है तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन पूछी जा सकती है, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहां पर आप देखिए कपलिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है। यहां पर हम फिनॉल लेंगे,
तो सबसे पहला जो कपलिंग रिएक्शन होती है वो होती है बेंडिंग डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। तो यहां पर मैं ले रहा हूं बेंडिंग डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ये लिया हमने बेंडिंग डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं फिनॉल से। तो यहां पर एक फिनॉल ले लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये फिनॉल है आपका। मुझे यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट करना है, तो इस रिएक्शन को मैंने वैसे ही सेट किया है, आपको भी ऐसे ही तैयार करना है, बहुत ही सिंपल रहेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर मैं एरो लगा रहा हूं, यहां पर लिख देते हैं माइनस HCl, और जो कंपाउंड बनेगा ये इसको अपन लिख रहे हैं, यहां पर देख लीजिए अब देखिए ये है हमारा N, तो N को अपन ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N N2, इससे कौन जुड़ जाएगा, ये फिनॉल जुड़ जाएगा, यहां पर OH लगा है, जैसा का जैसा लगा लेने दीजिए, ये कंपाउंड हमारा बनता है, इसे बोलते हैं एजो डाई, या इसका पूरा नाम लिखेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, यहां पर लिख देता हूं एजो डाई, ये येलो कलर की होती है या इसको ऑरेंज कलर में भी मिलेगी, येलो और ऑरेंज और रेड में भी, यानी अलग अलग अगर जिस टाइप से आपको अलग अलग फिनॉल आपने लिए हैं, ऑर्थो मेटा पैरा त्रिशॉल जो आते हैं उनसे भी रिएक्शन होती है, तो इस तरीके से आपको एजो डाई जो बनेगी या तो येलो होगी या ऑरेंज होगी या रेड होगी, इस टाइप से आपको इसके कलर मिलेंगे। तो ये एजो डाई का जो नाम होता है आप नोट कर लीजिए, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेनिन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेनिन इसका नाम है, आप नोट कर लीजिए। इसमें रिएक्शन नहीं होती है यानी नो रिएक्शन, यानी कपलिंग रिएक्शन भी एल्कोहल नहीं देते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्कोहल नहीं देते हैं, न्यूट्रल एफसीएल3 के साथ एल्कोहल की कोई रिएक्शन नहीं होती है, और लिटमस टेस्ट भी ये नहीं देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और रिएक्शन है वो लीबरमैन टेस्ट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट में आप याद रख सकते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, फाइनली कलर हमें ये मिलता है ब्लू, लेकिन इसकी रिएक्शन भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा टेस्ट एल्कोहल में नहीं होता है, यहां भी आप नो रिएक्शन लिख सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं देता है। तो मेन कौन देता है, ये लीबरमैन टेस्ट, डायरेक्ट रिएक्शन आ सकती है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि ये सभी रिएक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा देने वाली है, तो इन्हें आप लापरवाही से ना लीजिएगा, सारे नाम और कलर याद करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन होती है वो कहां से शुरुआत होती है, ये आपको टेस्ट में देखना है, इसको लीबरमैन टेस्ट या लीबरमैन नाइट्रोशो रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, फिनॉल की जो रिएक्शन कराएंगे, मैं इस टाइप से दे रहा हूं, करीब 2-3 स्टेप का रिएक्शन है, ध्यानपूर्वक कर लीजिए, सबसे बड़ी रिएक्शन है ये रहा हमारा फिनॉल, और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं नाइट्रस एसिड यानी HONO, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर जो एच आप देख रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, इसका एच और इसका OH, ये वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है, यहां पर आप लिख सकते हैं -H2O, और जो स्ट्रक्चर बनेगा तो ये NO कहां जुड़ेगा, इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही रिएक्शन आपको दिखाई देगी, थोड़ा छोटा कर देता है, ये देखिए ये रिएक्शन बनेगी N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, और इधर सर में OH पहले से लगा हुआ है, इसे लगा रहने दीजिएगा, पहले रिएक्शन की प्रोसेस समझ लीजिए, ये हमारा फिनॉल और ये नाइट्रस एसिड HNO2,
वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं आप, तो H और इस OH से मिलकर के NO यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये नाइट्रोसोफिनॉल कहलाता है या पैरा नाइट्रोसोफिनॉल आप कह सकते हैं इसको, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। सारे नाम अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फॉर्मूला देख लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट के लिए मुझे ये निशान लगाना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इसमें रीअरेंजमेंट कुछ नहीं, ये वाला जो एच है वो यहाँ पर इस ओ से आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर रीअरेंज होने पर आपको ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर इस टाइप का ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ होगा और यहाँ पर क्या है एनओ एच आ जाएगा, डबल बॉन्ड एन ओ और एच। मैं यहां पर निशान लगा देता हूं रीअरेंजमेंट का, उधर जगह नहीं थी। तो देखिए ये बन गया, इसको बोलते हैं क्विनोन। क्या नाम है इसका, क्विनोन। ये क्विनोन बन गया रीअरेंजमेंट पर। बस हम इस क्विनोन की रिएक्शन अब हम फिनोल से कराते हैं, तो ये हमारे पास क्विनोन है और अब देखिए इसकी रिएक्शन करा हुआ हमें फिनोल से। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए ये जगह थोड़ी सी कम है लेकिन आप मैनेज कर लेना, समझ लेना या साथ साथ में नोट करते चले जाना। तो क्विनोन नाम बता दिया, मैं इस नाम को हटा रहा हूं, इससे मुझे जगह की जरूरत है, तो ये क्विनोन आप लिख लीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिनॉल की रिएक्शन कराना है। तो देखिए क्या बनेगा, प्लस लगा रहा हूं यहां पर और यहां से अब ले लेते हैं फिनॉल। ये OH है और यहां पर H है। तो देखिए ये वाला H इसको मैं इस दूसरे चौक से दिखा रहा हूं और ये वाला OH, ये वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा H एंड OH और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिएगा क्या बनने वाला है, एरो लगा दीजिए और ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा एन है और इससे ये रिंग आपको जोड़ना है फिनोल की, क्योंकि OH यहां से लिबरेट हुआ है तो रिंग यहां से जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा एन, यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा जैसा पहले था, ये सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। देख लीजिए मैंने स्ट्रक्चर को बदल के लिखा, बस N इधर ले लिया है ये वाला और O को इधर ले लिया है, इससे मुझे जोड़ना है फिनोल को। तो अब क्या करेंगे, इससे फिनोल जोड़ देते हैं और बैलेंसी का ख्याल रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बॉन्ड सभी लगाए हैं अल्टरनेट, लेकिन यहाँ पर ये दो बॉन्ड है, ये जो कंपाउंड जुड़ेगा ये होगा यहाँ पर OH। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम वाले को बताना है, आप रिएक्शन को ध्यानपूर्वक देख जाइए कि मैंने वाटर मॉलिक्यूल कहां से लिबरेट किया है। इस वाले पार्ट में मैंने इस OH को लिया है और यहां से H को लिया है, तो वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ। इसका रीअरेंजमेंट किया तो ये वाला H मैंने यहां जोड़ दिया है, ये वाला OH और ये, फिर फिनोल से रिएक्शन कराई तो फिर मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट किया है -H2O और हमारा ये कंपाउंड बनता है और इस कंपाउंड को बोलते हैं इंडोफिनॉल, INDO इंडोफिनॉल। अब इस इंडोफिनॉल का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एक्सेस ऑफ NaOH।
एंडोवाइट से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको आगे बढ़ा के बता देता हूं, तो इसमें कोई रिएक्शन होती नहीं है। ये ऊपर दिखा चुका हूं, ये रिएक्शन वहां से आगे देख लीजिए। बस आपको यहां से H को लिबरेट करना है और इस OH को वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा -H2O, तो H की जगह पर Na आ जाएगा ये वाला, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल बन जाएगा। तो देखिए ये कंपाउंड ही दोबारा मुझे उतार देना है यहां पर, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड हुआ है तो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड वो लगा दिया, उसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड एंड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिंगल बॉन्ड से फिनोल जुड़ा हुआ है, आप भी जोड़ दीजिए, अल्टरनेट बॉन्ड है, उसके बाद एक OH लगाया है तो इसमें से H रिप्लेस कर दीजिए और OnA हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये OH और H कौन सा, ये वाला H और ये वाला OH, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट कर दिया है, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, ब्लू। क्या नाम है इसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल ये बनता है। तो कुल मिलाकर ये टेस्ट सबसे बड़ा है, तो फाइनली आप याद रख सकते हैं कि जब फिनॉल की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्विनोन बनता है, अब क्विनोन फाइनली ये है। अब इस क्विनोन की फिर से हम फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन जो होती है उसमें इंडोफिनॉल बनता है जिसका कलर रेड है, एक्सेस ऑफ NaOH ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है जिसका कलर ब्लू होता है, यानी रेड टू ब्लू। इसको याद रखिए, ये वाली ऑफ फर्स्ट रिएक्शन में काफी कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पर ये लिटमस जो पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है उसको ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, जबकि इसमें देखा जाए लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट एल्कोहल नहीं देते हैं, तो लगभग सभी रिएक्शन एल्कोहल नहीं देती हैं, लेकिन फिनोल सभी रिएक्शंस को देती हैं और उनके कुछ ना कुछ कलर होते हैं, और जो जिसका भी कलर बनता है वो किस कंपाउंड का होता है हमें ये भी याद रखना। इसको बना के देख लीजिएगा, आपको कंपटीशन में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी राय है तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।